पुरी गस्तरे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रीमंदिर रे श्रीजीव दर्शन करने सहित पुरी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव कैंपस परिसर रे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय लोकार्पण करेंगे केन्द्रमंत्री। प्रथम सका 7:30 to 8 मध्य केन्द्रमंत्री श्रीमंदिर जाए श्रीजीव को दर्शन करेंगे। सका 10 समय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव कैंपस परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जोगदे देशर द्वितीय राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय एवं हिंदू अध्ययन केन्द्र लोकार्पण करेंगे। एथसहित केन्द्रमंत्री संस्कृत भाषार प्रचार प्रसार पर उद्दिष्ट केन्द्रीय योजना गुड़िकर लोकार्पण करेंगे। उज्जयिनी स्थित महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान मुख्य कैंपस व्यतीत बाहर 5 नुआ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय योजना करोजना अंतर्गत पूर्वे पूरी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव कैंपस रे सारा देश में द्वितीय राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय शुभारंभ करेंगे केन्द्र शिक्षामंत्री। आगामी दिन में अन्य 3 धाम समेत उत्तर पूर्व राज्य में गोटे लेखाएं राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय प्रतिष्ठा करा। उत्तराखंड बद्रीनाथ, कर्णाटक श्रृंगेरी, गुजरात द्वारिका एवं आसाम गौहाटी रे एभली अनुष्ठान प्रतिष्ठा करिबा पाई भारत सरकार स्वीकृति देछंती। सेपरी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर रे पुरी रे हिंदू अध्ययन केन्द्र उद्घाटन करा जिवो। प्राथमिक भावे केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर रे 40 सीट पाई पिला माने आवेदन करिपारिबे, परे सीट संख्या वृद्धि करा जिवो। एटे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद 9 याक शाखा 9 याक शाखा एठार खोला जिवो एवं सेमानु जेपरि भावरे उज्जयिनी रे आमर यज्ञशाला, ध्यान मंडप, योग मंडप, कंप्यूटर रूम, तापरे तांकर क्लासरूम जो करा जायछि डिजिटल क्लासरूम बा ई क्लासरूम, ए सब अत्याधुनिक व्यवस्था मध्य वेद पाठ करा जीवो। अभी वेद संस्कृत नहीं है दृष्टि से आए, हम वेद के बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे, मैनेजमेंट सिखाएंगे, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाएंगे, टेंपल मैनेजमेंट सिखाएंगे, टेंपल का आर्किटेक्चर सिखाएंगे। अभी वेद नहीं है दृष्टि से आएगा। देखिए उसका बेस होगा अपना वेद, अपनी संस्कृति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कोड़िए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोड़िए वो जो नीति है उस नीति में जो विजन है उस विजन को हमारा वेद का छात्र, संस्कृत का छात्र संपूर्ण देश में इंटरनेशनल लेवल में ले जाए। वेदाध्ययन संहिता अध्ययन करने के बाद पूजा पाठ बच्चे करेंगे, ऐसा काल चला गया है। बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, बच्चों को हम अकाउंटेंसी सिखाएंगे, बच्चों को आधुनिक क्षेत्र में भी अभी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा एक प्रमाण पत्र मिला है। वेद विद्या अध्ययन करने के बाद जो बच्चे यहाँ करते हैं वो इंजीनियरिंग भी जा सकते हैं, इंजीनियर कॉलेज में इंजीनियरिंग जाने के लिए प्रवेश ले सकते हैं, आयुर्वेद वैद्य बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, तो इसलिए सभी क्षेत्र में उनका ओपनिंग होगा।